बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने तूफान मचा कर रख दिया था। इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट भी देखते रह गए। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने 231 गेंदों में 161 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। जिसने भी उनकी ये पारी देखी वो देखते रह गए। इस पारी में रोहित शर्मा ने 18 चौके और 2 शानदार छक्के जड़े। इसके अलावा कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 67 रन की अहम पारी खेली। लेकिन जब टीम इंडिया दूसरे दिन 300 रन के आगे खेलने मैदान पर उतरी तो ऋषभ पंत ने भी तूफान मचा दिया। चौके और छक्कों की तो ऐसी बरसात कर दी कि डगआउट पर बैठे कप्तान विराट कोहली भी देखते रह गए कि ऋषभ पंत को ये क्या हो गया। आपको बता दें, ऋषभ पंत ने 77 गेंदों में 58 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 शानदार छक्के जड़े। ऋषभ पंत की पारी देखकर सब यही सोचने लगे कि हम टेस्ट देख रहे हैं या फिर T20। हालांकि 329 रन पर पूरी टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, लेकिन तारीफ करनी होगी ऋषभ पंत की, जिन्होंने धमाकेदार शतक जड़ा। फिलहाल देखना होगा कि टीम इंडिया के गेंदबाज मैदान पर कैसा जलवा दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही आप भी अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।